इसका कलर प्योर नेचुरल कलर है, इसमें अभी कुछ कोई भी चीज ऐड नहीं है, ठीक है ना। ये चावल भी लगभग भुन चुका है, एक अलग टेक्सचर आ चुका है चावल, और चावल में मसाला आ गया है, ठीक है ना। सो हे गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का ब्लॉग एक फूड ब्लॉग है और खाने पीने का। हमारे रूम में हमारे जो दुबई कुवैत रिटर्न सेफ हैं डॉक्टर फुजल साहब, वो बना रहे हैं बहुत ही अपना सीक्रेट रेसिपी, जो ये बोल रहे थे कि आज तक मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि अपने दर्शकों को जरूर दिखाएंगे आप, और आज बना रहे हैं ये मटन बिरयानी। तो चलिए उनसे हम कुछ बातें करते हैं और दिखा। हेलो हेलो, हाउ आर यू मैन? आज हम लोग बना रहे हैं इसको मटन बिरयानी, जो विदाउट मसाला वाला होगा, जो विद गार्लिक एंड ग्रीन चिल्ली के साथ बनेगा, ठीक है ना। इसमें हम लोग कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे, ओनली गार्लिक रहे और जिंजर रहेगा और ग्रीन चिल्ली रहेगी, और इसमें ब्लैक पेपर रहेगा। ओनली प्याज रहा, टमाटर रहा, और ये मटन रहा। मटन कितना है? हाफ के जी। हाफ के जी। और इसमें क्या कर रहे हैं आप? अभी इसमें हमने अभी डाल रखा है जिंजर गार्लिक का पेस्ट और ग्रीन चिल्ली वाली, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि इसमें हम लोग ओनियन डालेंगे, ठीक है ना। ओनियन जब हल्का ब्राउन हो जाएगा, फिर इसमें हम लोग मटन डालेंगे। देन आफ्टर हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि इसका थोड़ा सा हल्का सा स्टीम पे हल्का सा इसका निकल जाए। उसके बाद हम लोग का राइस इधर फूल रहा है। राइस हम लोगों ने इधर रखा है, अभी इसको सुखा के राइस को धो करके हम लोगों ने इसको निकाल दिया है। इसको थोड़ी देर के लिए इसको मतलब इसको पानी के साथ इसको एब्जॉर्ब होने दिया है, कि इसका अपना हल्का सा खुद से अपना एक ये टेक्सचर दे दे। सही बोला आपने। तो मैक्सिमम हाफ एन आवर सब कुछ रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। और ये थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट देता है, क्योंकि इसमें हम लोग कोई भी चीज ना हल्दी डालते हैं ना धनिया डालते हैं, ठीक है ना। जो भी होता है ये ग्रीन चिल्ली और जिंजर गार्लिक के पेस्ट पे ही बनता है, और ब्लैक पेपर ओनली। हमारा अब मसाला लगभग थोड़ा सा रेडी, इसमें टमाटर भी डल गया हुआ है, हल्का सा ग्रेवी टेस्ट, और ये तेल छोड़ दिया है। तेल छोड़ने का मतलब है कि ये अब लगभग मतलब भुन गया है, क्योंकि ये विदाउट मसाला वाला है, तो इसका कलर आपको दिख नहीं रहा है। इसका मतलब जब प्याज तेल छोड़ दे, तो मतलब समझिए कि प्याज लगभग रेडी हो गया है, ठीक है ना। हम लोग इसमें अब गोश्त को डालेंगे, ठीक है ना। तो हाफ के जी मटन है हमारा, उसको इसमें डालेंगे। उसके बाद इसको भूनेंगे जी, इसको भूनेंगे, उसके बाद इसको गलने के लिए थोड़ा देर छोड़ेंगे। जब वो 50% के लगभग गल जाएगा, तब हम इसको राइस के साथ फिर से गलाएंगे। इसको 10 से 10 मिनट इसमें जाएगा, 10 मिनट तो कंफर्म जाता है, कितने टाइम लेता है वो चिकन के। कुछ नहीं डलेगा इसमें, ठीक है ना, इसमें कोई मसाला नहीं डलेगा। उसके बाद डायरेक्ट इसमें चरा चावल डलाएगा। ये ऑलरेडी इसका टेक्सचर बहुत प्यारा आ चुका है, मैंने टेस्ट किया है, परफेक्ट, ठीक है। क्योंकि ये जब ये जो बनता है ना, तो ये विदाउट मसाला ही बनता है, इसका कलर खुद से ही आता है खिल के। ये इसमें ओनली ग्रीन चिल्ली डलती है, इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डलता है, और ब्लैक पेपर, ठीक है ना। और बोल रहे थे कि हम ये सीक्रेट किसी को नहीं बताएंगे, कि आप हमारे दर्शकों को, क्योंकि आपका प्यार ही है ऐसा कि हमको खींच के ले आया, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि हर कोई इस रेंज बाहर रहते हैं, कम से कम खुद से बनाने का एग्रेसिव हो उसके थ्रू, और जो दिल करे वो बना के खाए, क्योंकि बाहर की लाइफ दोबारा नहीं मिलती है, ठीक है ना। और मैं आपने हमारे दर्शकों का इतना ख्याल रखा, हमारा इतना ख्याल रखा, वाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं अभी की कलर कितनी शानदार दिख रही है। अभी तो मतलब ये समझिए कलर पूरा पिक्चर बाकी है। या अभी तो पिक्चर बाकी है, ये अब फ्राई हो गया है लगभग, अब इसको हम लोग बंद करने जा रहे हैं, ठीक है। इसको हम इसको बंद करना, देखिए ये भुन गया है, अब इसको हम बंद करने जा रहे हैं थोड़ा सा इसको गलने के लिए, ठीक है ना। और उसके बाद हम आप लोग को जब ये खुलेगा, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन से स्टेज पे पहुँचा, ठीक है। ओके, हम लोगों का ये मटन अब लगभग ये लगभग हल्का सा स्पाइसी टाइप का भूख लग रहा है, और इसने भी तेल छोड़ दिया, अब लगभग ये लगभग भुन गया है,
प्योर, ये इसका कलर प्योर नेचुरल कलर है, इसमें कुछ कोई भी चीज ऐड नहीं है, ठीक है ना। ये खुद का कलर है इसका, ये प्याज का कलर है और गोश्त का। लगभग 10 मिनट तो वही है। हाँ हाँ, अब ये मैं इसमें राइस डालने जा रहा हूँ, बस हल्का सा, क्या उसका थोड़ा सा कच्चापन जो खत्म हो जाने के लिए, ठीक है ना, हल्का सा उसका ब्राउनिश आ जाएगा, राइस थोड़ा सा हल्का भुन जाएगा, फिर उसको उसके बाद इसको पानी डाल के फिर हम लोग 2-3 सीटी दे देंगे, जिससे राइस भी हो जाएगी एक साथ और हमारा मटन भी बन के तैयार हो जाएगा एक साथ, एक ही टेक्सचर पे। तो थोड़ा सा हम लोग चलाते हैं इसी के टेक्सचर में, इसमें कोई भी कलर ऐड नहीं है अभी तक, इसमें कोई भी कलर ऐड नहीं है। फर्स्टली सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये खुद का टेक्सचर देगा, खुद का टेस्ट देगा। सबसे बड़ी चीज इसमें यही होती है कि इसका खुद का टेक्सचर होता है। फिर मिलते हैं 5 मिनट के बाद आपसे, ठीक है। नाव हमारा देखिए, चावल भी लगभग भुन चुका है, एक अलग टेक्सचर आ चुका है चावल, और चावल में मसाला आ गया है, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके अंदर जो ग्रेवी का जो इसका असर था वो चला गया, ठीक है ना। अब इसमें हम पानी डालेंगे, ठीक है ना। कितना पानी डाले आपने? पानी इसमें आप डाल सकते जितना चावल डाले थे उसे, लगभग दोगुना या थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि पानी कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इसमें गोश्त भी है, ठीक है ना। ये खुद का कलर है इसमें, जबकि कोई भी चीज़ इसमें ऐड ऑन नहीं है, इसमें ओनली ग्रेवी मतलब जिंजर गार्लिक है, कोई भी, जबकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ इसका खुद का टेक्सचर देगा, ठीक है ना। ये खुद का जो असल मटन का खुद का टेस्ट होता है वो और क्या आएगा इसकी। फाइनली अब इसको बंद करने जा रहे हैं जी, ठीक है ना, फिर मिलते हैं जब ये रेडी हो जाता है तो, ठीक है। ओके, फाइनली गाइस हमारा बिरयानी बनकर के तैयार हो गया, देख सकते हैं कि देखने में कितना लाजवाब लग रहा होगा, इंशाल्लाह खाने में भी बहुत ही बेहतरीन लगेगा। सर हमारे डॉक्टर पूजा साहब के द्वारा ये बनाया गया है, टेस्ट कैसा लग रहा है आपको? बहुत शानदार लग रहा है, और कहा जाए कि भाई की दुकान अपन खोल लेते हैं और फ्रेंचाइजी अपन लोग थोड़े थोड़े ले लेंगे जी, थोड़ा बहुत पैसा अपने पास भी आ जाए, और भाई के हाथ में अल्लाह बरकत दे। पूजन साहब आपकी मेहनत रंग लाई है, मैंने तो अभी नहीं खाया, बाकी डॉक्टर ताबिश भाई ने बहुत शानदार, और मतलब खा के नहीं खा ही रहे हैं, और उन्होंने रिव्यू बताया बहुत शानदार, मेरे मुंह में तो पानी आ ही रहा है, लग मेरा देख के ऑसम ऑसम, मतलब आपकी टेक्सचर आया जी, देखिए कोई कलर भी नहीं है, लेकिन जो टेस्ट जा रहा है वो मैं ना अच्छा लग रहा है, रायता भी बहुत शानदार है, बाकी ये झगड़ूलाल महात्मा देख रहे हैं अभी शो करके 10-5 मिनट पहले उठेगी, 5 शाम के 5 बनने वाला है, और देख सकते हैं मुझे पानी भी नहीं, इन्होंने नींद में देखा, सपने में देखा था कि मैं एक बिरयानी खा रहा हूँ। झगड़ूलाल महातो यस ब्रो, लग गया अभी मेरी बारी है खा करके जाएगा बताने का कैसा है शिमला वाला बात, सच में काबिले तारीफ है, मतलब टेक्सचर ऐसा आया है, ऐसा है आज तक तो होटल में ऐसे साथ नहीं बना, अगर जो बनाएगा लॉस में जाएगा। खैर अपने खाने के लिए लोग अपना 100% नहीं 1000% देता है, जिसमें जो मिल रहा है बाकी बहुत ही लजीज है। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो, आप लोग भी घर पे ट्राई करें अपने फैमिली के साथ, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, खाइए पीजिए मस्त रहिए, और जिंदगी में जो भी कीजिए अच्छे से कीजिए, दिल से कीजिए, फालतू कामों से दूर रहिए। टाटा बाय बाय।